मुक्ति फाउंडेशन के साथ स्कूल्स अडॉप्ट कर रहे हैं और बहुत सारी कैंपेन्स हमने हाथ में किए ओवर द पीरियड ऑफ वन ईयर वी प्लान इट इन वे कि जहाँ ज्यादातर कोशिश रहेगी कि कल्चर को मैं प्रमोट करना चाहूँगी और वूमेन एम्पावरमेंट जैसे कल्चर को प्रमोट करने के लिए मैं शॉर्ट फिल्म्स कर रही हूँ फिर अपना जो हिंदुस्तान का कल्चर है उसको किस तरह से प्रमोट करना चाहिए वो अपने डिफरेंट डिफरेंट स्टेट की एक खासियत होती है तो उसको मैं एकत्रित करके लोगों तक पहुँचाना है जो चीज़ हमारे हिंदुस्तान की खासियत है या जो चीज़ रिच है हमारे इंडिया को वो लोगों तक ग्लोबली पहुंचने चाहिए तो बस इसी काम में जुड़ना चाहती हूँ नमस्कार मैं हूँ स्मिता ठाकरे आप मुझे देख रहे हो मिर्ची प्लस पे हाय दिस इज समीना शेख योर ऑन मिर्ची प्लस और मेरे साथ में आज है स्मिता ठाकरे जो बात करने वाले हैं उनके एक स्पेशल प्रोजेक्ट के बारे में सो लेट्स हियर फ्रॉम होम वेलकमिंग यू ऑन मिर्ची प्लस नमस्कार थैंक यू सो मच बेसिकली वट यू आर आस्किंग फॉर व्हाट वट आर एम आई टू डू फॉर विमेंस डे तो जो आठ तारीख को विमेंस डे है पर हम लोग ने पाँच तारीख चुनी है क्योंकि संडे है और ज़्यादातर महिलाएँ उपस्थित रहेगी इंटेंशंस वही है कि वीमेन एम्पावेंट और जो भी है हम आज तक मुक्ति फाउंडेशन के तहत हम करते आ रहे हैं तो ज़्यादातर हमने वेमेन एम्पावरमेंट पे थोड़ा सा ध्यान अभी रिसेंटली uh, बहुत ज़्यादा दिया है तो बहुत सारे उपक्रम हम हाथ में लेके उनको uh, हम आदिवासी एरिया में जाते हैं फिर गर्ल्स uh, स्कूल uh, को थोड़ा सा हमने थोड़ा कंसंट्रेट किया है उनको अडॉप्ट किया है तो ज़्यादातर जस्ट बिकॉज आई एम वन वुमेन वेयर आई वुड डेफिनेटली लाइक टू रीच आउट टू मैनी वेमेन दिस इज़ वॉट माई इंटेंशन इज अभी विमेन एम्पावरमेंट के लिए या विमेन अचीवर्स का जो अवॉर्ड हम करने जा रहे हैं उसमें सिर्फ उद्देश्य यही होता है कि ज़्यादातर औरतें जो समाज के लिए काम करती है अपना रुतबा अपना व्यस्त जीवन और अपना काम उसमें से कहीं अपने पल या अपने क्षण एक समाज के लिए वो देती है वो बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि वैसे ही औरतों के कंधों पे बहुत सारी जिम्मेदारी होती है और स्पेशली दैट वॉकिंग शी हीज टू मैनेज हाउस एज वेल एज ऑफिस सो आउट ऑफ दैट लाइक ऑल दोजन विच विमेन अचीवर्स विच हैव चोजन इट दे आर अमंग दो इस्पेशली जो समाज के लिए काम करती आ रही है और दूसरा है जो वीर सेनानी फाउंडेशन है जिनके साथ हमने आज कोलैबोरेशन किया है और ये फाउंडेशन के तहत में ये सैनिकों के लिए काम करती है और मेरा जो पहले से हमने काफ़ी कुछ कारगिल के लिए भी हमने मुक्ति फाउंडेशन के लिए काम किया था उनको कुछ जो भी हमारे से हुआ हमने कुछ डोनेशंस भी दिए थे उनको तो हम मैंने सोचा कि अभी आज का जो यूथ है उनको अवेयरनेस लाने के लिए कि हमारे देश में जो आज हम लोग अच्छी से ज़िंदगी जी रहे हैं उसके पीछे इन सैनिकों का हाथ है या इतनी सेक्रीफाइजिस इत, हो चुके हैं और जो भी मुद्दा आता है औरतों का जब कि अगर औरत सक्षम नहीं हो और उसको पता है कि उसके प, उसके पति जाके वहाँ लड़के पता नहीं वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे पर वो वो सक्षमीकरण या जो बल वो नारी में होता है वो सबसे बड़ी चीज़ है खुले दिल से या खुले भावना से अपने देश के लिए अपने किसी दिल के जो करीब इंसान है उसको आप खो देना और उसके बाद में जो ज़िंदगी जीते हैं वो लोग तो मैं बहुत कनेक्ट करती हूँ ऐसे महिलाओं से तो इसलिए मैंने हम उनको बुलाया है और जो भी मुक्ति फाउंडेशन के तहत हम जो भी थोड़ी बहुत उनको रकम दे सके हम उनको दे रहे हैं और वैसे आगे भी बहुत सारे उपक्रम इनके साथ करने हैं महिलाओं को ज़्यादातर हम लोग कोशिश करेंगे कि हमको ध्यान में रखते हुए ये उपक्रम चलाएंगे और आ, आपका मुक्ति फाउंडेशन में आप सिंस इंसेप्शन आप इस पर काम कर रहे हो पर आपको क्या लगता है कि डेवलपमेंट क्या हुआ है यू नो मेन इट कम्स टू तो वेमेन यू नो काफ़ी डेवलपमेंट हो चुका है प्रोग्रेसिव हो चुके हैं काफ़ी और ऐसे नहीं है कि यानी अभी ऐसे प्रोग्रेसिव हुए बहुत सालों से है आपने पर्सनली क्या डेवलपमेंट देखा है ओवर द ईयर नहीं मैं जैसे कि आपने कहा कि आपने खुद ने आंसर दिया है उसमें डेवलपमेंट हम हर रोज़ एक औरतों में देखते आ रहे हैं Uh, ज़्यादातर डेवलपमेंट जो रूरल महिलाएं हैं वहाँ की महिलाओं में भी अभी एक एक भावना जागरूक हो चुकी है उसमें कि भाई हम हमको भी हमारी जिंदगी में थोड़ा सा ध्यान देना है हाइजीन पे ध्यान देना है हमारी हेल्थ पे ध्यान देना है मिस मैं तो वो वो तरक्की की बात नहीं कर हूँ जो हर कोई कर रहा है मिस ऐसे आ, वो महिलाएं कई जगह जा चुकी है आकाश में जा चुकी है यू नो हर जगह yeah. जो हर क्षेत्र में महिलाएं हैं yeah. युद्ध में जा चुकी हैं नेवी आर्मी एवरीवेयर एवरीवेयर बट मेरा कंसंट्रेशन वो महिलाओं के प्रति है जहाँ ज़्यादातर लोग पहुँचते नहीं हैं जहाँ उनको कुछ चीज़ों का अवेयरनेस नहीं होता या अपनी रूटीन जिंदगी है जो सुबह से जाके बहुत काम करना खेतों में जाना और फिर अपने हेल्थ पे दुर्लक्ष करना उसके लिए अभी हमने एक और एक उपक्रम लिया है कि ज़्यादातर मेन्स्ट्रल कपड़ा यूज़ करते हैं या आ, हम पैड्स यूज़ करते हैं तो पैड्स डीके होने के लिए करीब करीब तीन महीना लगता है और उसमें उसकी वजह से हमारा पोल्यूशन बढ़ता है उसको डीके होते होते बहुत सारे जीव जंतु से फैलते हैं तो एक मेंस्ट्रुअल कप करके आता है जो बाज़ार में तो है पर वो काफ़ी लोगों को पता नहीं है और उसका हम लोग ज़्यादातर रूरल एरियाज़ में बंटवारा करेंगे हमारे फाउंडेशन के तो ये सब चीज़ें हैं कि जो जहाँ जहाँ हमको लगता है कि एजुकेशन के तौर पे हमको हमको सक्षम करना है और वहाँ हमारी एक रिप्रेजेंटेशन एक महिलाएं होगी उसको हम सिखाएंगे ताकि वो और दस महिलाओं को सिखाएगी उसमें से कोई चूज़ करेंगे ऐसे कर कर के हम लोग स्प्रेड करते जा रहे हैं तो वो थोड़ा बहुत मैं चाहती हूँ कि हर फाउंडेशन या हर महिलाएँ को थोड़ा बहुत ध्यान दे ये छोटी छोटी काम में अगर हाथ हाथ बटाएँ तो मेरे ख्याल से हमारी यहाँ की रूरल महिलाएं भी सक्षम हो सकती हैं आपने काफ़ी शॉर्ट फिल्म्स भी बनाई हैं आपने काफ़ी प्रोजेक्ट्स पे काम किया है एंड यू नो दैट हैज़ ऑफ कोर्स क्रिएटेड लॉट ऑफ अवेयरनेस आप उनके बारे में कुछ बताओगे शॉर्ट फिल्म्स अभी तक बनाई नहीं है पर आ, प्रोसेस में है अभी यहाँ भी हम यही चाहते हैं कि ज़्यादातर हम लोग वही आ, उसकी शुरुआत कर जी यही वही मुद्दों को हाथ लगाए और मैं औरतों को या स्पेशली इस फिल्म इंडस्ट्री के जो जिन्होंने ये क्षेत्र चुना है उनको भी मैंने यही कहना चाहूँगी और कहती आ रही हूँ कि आपके पास जो भी कोई महिलाओं के कंसंट्रेशन या महिलाओं को के लिए अगर कोई अच्छे सब्जेक्ट्स हो जो एंटरटेनमेंट के ज़रिए हम लोग उसको ना कि प्रिचिंग वे हम अगर लोगों तक तो पहुँचाएँगे तो वो शॉर्ट फिल्म यूजुअली क्या होता है महिलाओं के सब्जेक्ट्स बहुत सारे होते हैं अभी आ, अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स हो तो उसके लिए बड़ी फिल्में भी चलती है आ, क्योंकि वो डायरेक्ट कनेक्ट करती है तो ऐसे सब्जेक्ट चाहिए जो हार्ड हिटिंग हो और जो कोई बदलाव लाए समाज में बदलाव लाए तो ऐसे मैं सब्जेक्ट्स को ढूंढ रही हूँ और महिलाओं को एकत्रित कर रही हूँ और फिर उनकी शॉर्ट फिल्म हम लोग फिर आगे जाके भी प्लेटफॉर्म्स के प्रति लोगों तक तो पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो ये थोड़ी सी बहुत मेरे दिल के करीब आ, आ, की इनिशिएटिव है जो कि मैं इंडस्ट्री से जुड़ी हूँ और महिला हूँ और महिलाओं के प्रश्नों को थोड़ा बहुत नज़दीक से जानती हूँ अभी रीसेंट टाइम्स में बॉलीवुड में आपको कौन सी ऐसी फिल्म है जो आपको ऐसी लगे कि काफ़ी अच्छी थी और काफ़ी महिला पर यानी फोकस भी किया था और उनकी प्रॉब्लम्स पर भी फोकस किया गया था एक मिमी करके आई थी आ, तो वो मुझे बड़ी अच्छी लगी एक्चुअली उसकी जो मराठी फिल्म थी वो एक मेरी फ्रेंड ने प्रोड्यूस की थी और वो मराठी फिल्म भी देख के मैं बहुत आ, आ, ये सब्जेक्ट थोड़ा सा आ, है वो सबको नहीं वो आ, डाइजेस्ट नहीं होता ये सब्जेक्ट पर अगेन एक, एक, एक महिला को अपना शरीर तक देना पड़ता है आ, अपने घर अपना घर चलाने के लिए शरीर देना मैं ये नहीं बोल रही कि वो जो कामाटीपुरा में जो आ, चलता है वो अलग होता है उनकी भी ज़िंदगी बहुत ख़राब होती है और अगेन वो अगर उन्होंने वो उस ज़िंदगी को एक्सेप्ट किया है तो उसको भी हमको इतनी गलत नज़रिए से नहीं देखना चाहिए क्योंकि मैं वहाँ जाके भी मैंने बहुत काम किया है और उन महिलाओं को भी मैं मिली हूँ जिस तरह के उनके एक एक एक्सपीरियंस इतने दिल को छूते हैं तो मुझे लगता है हर महिला को एक अलग तरीके से इज्जत होनी चाहिए क्योंकि वो कौन से परिस्थिति में वो क्या चूज़ करती है वो उसकी ज़िंदगी है वो उसने चूज़ की है हुँ. अभी और किसी को बोलने का उसमें हक नहीं है क्योंकि ना ही कोई दूसरे दूसरे कोई ऐसे हाथ फैला के उनको मदद करने तो आते नहीं है हुँ. और मेरे ख्याल से जद्दोजहद एक, एक सिंगल महिला हो होती है तभी उसको बहुत समाज का आ, सामना करना पड़ता है और वो बहुत इजी होता है किसी को गलत बोलना या किसी को टारगेट करना तो ये सब चीज़ों में मैं बहुत सभी महिलाओं को सपोर्ट करती हूँ और उनको उनके अंदर की शक्ति को टटोलती हूँ और उनको बोलती हूँ हाउ टू बिकम अ सेल्फ कॉन्फिडेंट मैम आप एक विमेन वेब सीरीज भी बना रहे हैं और उसके बारे में अगर आप कुछ बताओगे तो ये हमने सुना है इसके बारे में तो आखिर वो वही काम चल रहा है ज़्यादातर मेरा मैं जितने भी लोग आते हैं मुझे कॉन्सेप्ट्स लेके आते हैं तो मैं उनको यही कहती हूँ कि मुझे कोई विमें से ट्रिक चाहिए या मुझे उनके उनके लिए कुछ चाहिए या उनके अंदर की भावनाओं को बाहर आप कैसे दिखाते हो वो सब चीज़ें होती रहती है पर आजकल वेब सीरीज़ इसलिए ध्यान दिया जाता है क्योंकि थिएटर में बहुत कम लोग जाते हैं और वेब सीरीज़ घर में बैठे बैठे आप अपने खुद के माँ के साथ बहन के साथ यू नो बैठ के देख सकते हो तो इसलिए वेब सीरीज़ को चुना है और वेब सीरीज़ पे थोड़ा सा ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर इतना आपको थोड़ा बहुत एक फ्रीडम मिलता है कि आप बहुत सारी चीज़ें दिखा सकते हो और वो एपिसोड वाइज होता है यहाँ डेढ़ घंटे में फिल्म ख़त्म करनी पड़ती है तो कोशिश जारी है आपका पर्सनल फेवरेट बॉलीवुड एक्ट्रेस कौन है बॉलीवुड एक्ट्रेस oh. अभी एक का नाम तो मैं ले नहीं सकती हूँ yeah. पर आ, सबसे पहले पुराने ज़माने की जो सबकी फेवरेट है वो मधुबाला hmm. और इनफैक्ट मैं कोशिश करूँगी कि कभी ना कभी मैं अगर किसी ने बना भी ली बायोपिक पर वो एक मेरी इच्छा थी कि उनकी बायोपिक मैं एक पर मेरा कनेक्शन हमेशा पुरानी एक्ट्रेसेस से रहा है अभी भी बहुत अच्छे अच्छे एक्ट्रेसेस आई है पर एक का नाम नहीं लूँगी क्योंकि आ, हर एक अपनी अपनी जगह सही है आ, पर माधुरी दीक्षित हो या मिस वो उन जिनका डांस के प्रति उनका लगाव है मुझे खुद को म्यूजिक बहुत पसंद है और डांस बहुत पसंद है तो हमारे प्रेमायस में हमने एक कल्चरल हब किया है यहाँ मुक्ति फाउंडेशन में जिसमें ज़्यादातर मैं कल्चर को प्रमोट करती हूँ और डांस स्टूडियो किया है तो यहाँ हर कोई आता है जो फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड के लोग यहाँ आते हैं क्योंकि उनको मैं प्राइवेसी देती हूँ प्रैक्टिस करने या अमित जी भी आते हैं मुगल आज़म की प्रैक्टिस हुई थी यहाँ आलिया भट्ट आई थी लाया फर्नीचर आती तो यंग जनरेशन से लेके ओल्ड जनरेशन तक यहाँ आते हैं तो उनसे इंटरेक्ट करने की का भी मौका मिलता है और अच्छा लगता है क्योंकि मैं मैं खुद बहुत पैशनेट हूँ म्यूजिक और डांस से और जैसे हमने आपने रिसेंटली अब अभी जस्ट आपने ये भी कहा था कि आपने यानी ऐसा देखा कि प्रोस्टिट्यूशन के लिए भी आपने काफ़ी यानी देखा है उसके लिए आवाज़ रेस की आपने रिसेंट में ये फिल्म देखी थी कंगूबाई जो आलिया भट्ट की थी।, थी आपको उस पर क्या कहना है आपको संजय लीला भंसाली ही इज टेकिंग एंड हीज़ एवरी फ्रेम आई आई जस्ट गेट मेस्पराइज विद ही शूट द वे ही डायरेक्ट दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया हीज विड द वे ही शोज जैसे यश जी की खासियत थी कि वो एक औरत को बहुत खूबसूरती से दिखाते थे और uh, मैं अभी सॉरी कमिंग बैक टू यश जी क्योंकि मैं मैंने अभी कल एंटरटेनमेंट uh, वो सीरीज़ देखी उनकी मेरा यश जी के साथ बहुत ही अच्छा संबंध था और वो मुझे लिटरली बेटी की तरह मानते थे और फिल्म इंडस्ट्री में जब मैंने इंटर किया uh, प्रेसिडेंट के तौर पे या बाकी भी मैं बहुत सारे काम किए मैंने फिल्म इंडस्ट्री में उसमें मुझे यश जी का बहुत सपोर्ट मिला hmm. तो ऐसे व्यक्ति मेरे पीछे थे इसलिए मैं फिल्म इंडस्ट्री में जड़ी रह, रही जुटी hmm. रही और अच्छा काम करती रही और जहाँ तक कमिंग बैक टू गंगूबाई आई कुड नेवर इवन इमेजिन कि आलिया भट्ट कैन कैन एक्ट सो वेल कई सारे ऐसे क्रिटिक्स वो बोल रहे थे कि अरे ये तो रॉन्ग डिसीजन था क्योंकि वो बहुत छोटी थी पर आपको ये भी सोचना चाहिए कि वो इतनी छोटी उम्र में कितना अच्छा किरदार निभाया है उसने वो सेम चीज़ आप ये देखो कि जब अनुपम खेर जी आए थे तभी वो सिर्फ छब्बीस साल के थे और उन्होंने बूढ़ो बूढ़े का रोल किया था तो एक्टर एक्टर होता है वो उसकी उसने किरदार कैसे निभाया उसको देखना चाहिए वो बात तो करेक्ट बोल रहे हैं और मैंने ये भी सुना कि टॉकिंग बायोपिक मैंने ये सुना कि आप बाला सिब ठाकरे पे बायोपिक बनाने वाले क्या ये सच्ची बात है अभी फ़िलहाल मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहूँगी क्योंकि फिल्म तो हम ज़रूर बनाना चाहते थे और काफ़ी कुछ काम भी किया था हमने काफ़ी दो ढाई साल तक मेरे बड़े बेटे ने राहुल ठाकरे ने साहिब के लिए काम किया था क्योंकि Uh, जो फिल्म हम बनाना चाहते थे वो साहब uh, को रियल साहब जो हमने देखे हैं या जो लोगों ने नहीं देखे हैं ऐसे कुछ uh, हमने काम कर रहे थे वो तो रिसर्च में वगैरह काफ़ी टाइम गया पर बीच में uh, किसी और ने फिल्म बनाई तो थोड़ा बहुत हम uh, रुके हैं मैम थैंक यू सो मच फॉर योर लवली टाइम बट बिफोर आई लेट यू गो आप और क्या प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो जिसके बारे में आप आपकी फैंस को बताना चाहते हो और आपकी जनता को बताना चाहते हो जैसे बोल रहे हैं, आप हाँ, अभी मैंने जैसे कहा कि मुक्ति फाउंडेशन के साथ स्कूल्स uh, अडॉप्ट कर रहे हैं और बहुत सारी कैंपेंस हमने हाथ में पीरियड ऑफ वन ईयर जहाँ ज्यादातर कोशिश रहेगी कि कल्चर को मैं प्रमोट करना चाहूँगी और वीमेन एम्पावरमेंट तो ये दो जो एरियाज है जिसमें मैं थोड़ा बहुत जैसे कल्चर को प्रमोट करने के लिए मैं शॉर्ट फिल्म्स कर रही हूँ फिर अपना जो हिंदुस्तान का कल्चर है उसको किस तरह से प्रमोट करना चाहिए वो अपने डिफरेंट डिफरेंट स्टेट की एक खासियत होती है तो उसको मैं एकत्रित करके लोगों तक पहुँचाना है या ऐसे पुराने एक रागों पर निषेध करके एक डॉक्टर भरत बल्लवी ने बुक लिखी है जिसमें पुराने मीन्स हमारे संगीत क्लासिकल संगीत के बारे में लिखा है और पुराने जो वाद्य होते हैं वो लोगों तक अभी तक पहुंचे नहीं हैं हाँ। तो वो वो वाद्य को वो बुक के प्रति हम लेके आ रहे हैं और उनके साथ मेरा हा वहाँ भी कोलैबोरेशन हुआ है जो कि मैं संगीत से जुड़ी हूँ तो मैंने सोचा कि ये बहुत अच्छा मौका है और उन्होंने बहुत अच्छा रिसर्च किया है और मोदी जी ने भी उनको सराहा है वो पुस्तक के लिए जो कि ये कल्चर को प्रमोट करता है जो उनकी भावना है मोदी जी की और hmm. आ, मैं उनको मानती हूँ वैसे आ, जो चीज़ हमारे हिंदुस्तान की खासियत है या जो चीज़ रिच है हमारे hmm. इंडिया को वो लोगों तक ग्लोबली पहुँचने चाहिए तो बस इसी काम में जुड़ना चाहती हूँ देट इज़ वेरी ट्रू एंड आई एम होपिंग दैट इज़ हाउ वी वॉन्ट टू सी इंडिया एज़ प्रोग्रेसिंग ऑलवेज थैंक यू सो मच फॉर लवली टाइम थैंक यू